हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस प्रेनर। मैं सैरी आज आप लोग को पढ़ाऊंगी लेसन 13, मदर अर्थ। तो फर्स्टली वी हैव टू रीड द चैप्टर एंड ट्रांसलेट इट इन टू हिंदी। मदर अर्थ, द अर्थ इज माई मदर। अर्थ क्या है? मेरी माँ है। शी इज गुड टू मी, वह मेरे लिए बहुत अच्छी है। She gives me everything, वह मुझे सब कुछ देती है। That I ever need, जिसकी भी मुझे आवश्यकता है वह सब मुझे धरती देती है। Food on the table, यानी मेरे टेबल पे खाना। And the clothes I wear, जो कपड़े जो मैं पहनती हूँ। The sun and the water, ये धूप और ये पानी। And the cool fresh air, ठंडी ताजी हवा। The great provider for me and you, ये आपको और हम सबको क्या देती है? ये सब चीज़ें एक महान प्रदाता है, ये सब हमको देती है। हर वेज आर जेंटल, उसके रास्ते या उसके तरीके नम्र हैं विनम्र हैं। हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग, उसकी ज़िंदगी या उसका जो भी वजूद है वो मजबूत है। लिविंग इन ए ट्यून लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह एक लय में रहती है एक सुंदर या ब्यूटीफुल सॉन्ग की गाने की तरह। द अर्थ इज़ माई मदर, ये पृथ्वी मेरी माँ है। इन माई बेस्ट फ्रेंड टू, और मेरी एक अच्छी दोस्त भी है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, आपके और मेरे लिए एक महान प्रदाता है। प्रदाता मतलब वह होता है जो आपको सब कुछ देता है। द अर्थ इज माई मदर, ये धरती मेरी माँ है। एंड शी इज गुड टू मी, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। एज यू नो, जो अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। वियर, पहनना होता है। फ्रेश, ताज़ा होता है। प्रोवाइडर, देने वाली। जेंटल, दयालु और शांत। ट्यून यानी धुन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज अर्थ टर्म्ड एज मदर अर्थ, धरती को धरती माँ क्यों कहा गया? तो आंसर है, द अर्थ टर्म्ड एज मदर अर्थ बिकॉज शी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड। आपको जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह मुझे एक धरती देती है, इसलिए हम इसे धरती माँ कहते हैं, क्योंकि माँ वो होती है जो अपने बच्चे को सब कुछ देती है। बी है, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ अर्थ, हम पृथ्वी का ध्यान हमें क्यों रखना चाहिए या उसकी देखभाल क्यों करनी चाहिए? उत्तर है, अर्थ गिव्स अस द एबिलिटी टू बैलेंस अवर लाइफ्स एवरी डे, सो वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ। धरती हमें सब कुछ देती है जिंदगी जीने के लिए, उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए, इसलिए हमें धरती की देखभाल करनी चाहिए। वॉट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, हम धरती को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं या करना चाहिए? तो आंसर इज, अर्थ इज अ ग्रेट प्रोवाइडर फॉर अस, सो वी शुड प्रोटेक्ट मदर अर्थ। धरती हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रदाता है, इसलिए हमें उसको बचाना चाहिए। राइट, टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। द अर्थ इज नॉट गुड टू मी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अर्थ तो हमारे लिए अच्छी है। द वेज ऑफ द अर्थ आर जेंटल, या दैट इज ट्रू, तो टी आ जाएगा। द अर्थ डज नॉट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर एंड वाटर, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अर्थ हमें देती है, इसमें लिखा है नॉट, यहाँ पर नॉट आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। द अर्थ गिव्स मी एवरीथिंग आई नीड, धरती वह मुझे सब कुछ देती है जिसकी मुझे जरूरत होती है, तो ये ट्रू है, तो टी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, वर्ड पावर, fill in the blanks with the word given in the box, provider, need, strong, fresh, ye hai, Abdul appears to be strong and healthy, the vegetables remain fresh in the refrigerator, nature is the best provider, I need your help to solve this problem। is tarah hum words jo diye gaye hain box mein unko sentences mein fill humne kar liya hai। next hai, डियर अर्थ, ये इसमें इतना दिया गया था, इतना ये खाली था, तो
उसको हम भरेंगे. आई प्रोमिस टू हेल्प यू बाय रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकिल कट डाउन ऑन द वॉट यू थ्रो अवे टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट बाय लेस प्लास्टिक एंड ब्रिंग ए रियूजेबल शॉपिंग बैग्स द लेस वाटर यू यूज द लेस रन ऑफ एंड वेस्ट वाटर दैट इवेंचुअली एंड अप इन द ओशियन. नेम अपना लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पे अपनी क्लास मेंशन करेंगे. जो भी अगर आप 5 क्लास में पढ़ते हैं आपका नाम है श्रुति तो श्रुति लिखेंगे और क्लास 5 लिखेंगे. और आप अर्थ के बारे में आप उसको और क्या प्रॉमिस दे सकते हैं उसको बचाने के लिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं.